भीखाराम चांदमल की मनपसंद स्वादिष्ट मिठाइयाँ भुजिया पापड़ नमकीन अब आपके घर पर ही होम डिलीवरी। होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 9119119135। खाओ खिलाओ रिश्ते बनाओ। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश और अगर आप देख रहे हैं बीकानेर दत्तक न्यूज़। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की खास सुर्खियां। कोरोना की पहली लहर को याद दिला दिया कल रात गाली बाजार की बाजार हाउस के बाद जब बंदियां लगा करके और रास्ते को रोक दिया गया। विक्रम संवत 2078 के शुभारंभ और मौके पर अनेक स्थानों पर तिलक लगाकर मशीन और दीप खिला करके लोगों का किया गया स्वागत। चैत्र नवरात्र प्रारंभ होने के साथ ही देवी मंदिरों में विशेष रूप से पूजन अर्चन किया गया और गढ़ की स्थापना की। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को तैयारियां। हल्दीराम एजुकेशनल सोसाइटी सरकारी विद्यालयों का करेगी कायाकल्प। फ्रेंडली मैच में लाइटस्टर ग्रुप ने की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी पर 4 ओवर में ही 74 रन के लक्ष्य को किया। गोस्वामी प्रीमियर लीग का हुआ समापन और गली गली में निकली हिंदू धर्म यात्रा, लोगों ने डीजे के साथ में जमकर की नारेबाजी। और खबरें विस्तार से, सबसे पहले बातचीत करते हैं कोरोना की दूसरी जो वेव चल रही है वह बीकानेर में भी अब दहशत का वातावरण पैदा कर रही है। कल रात जब रानी बाजार की बजाज हाउस के पास में सायरन बजते ही गाड़ियां पहुंची और बल्लियां लगाकर के रास्ते को जाम किया गया तो कोरोना की पहली लहर को याद कर लिया गया। रानी बाजार क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव आ जाने के कारण से यहां पर कंटेनमेंट जोन बना करके और इस जगह को सील कर दिया गया। यहाँ इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अब घरों से आने जाने के लिए पाबंद कर दिया गया है। कुल मिलाकर के बीकानेर में मंगलवार को भी 171 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और अब ये संख्या जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है एक बार फिर से डराने वाली है। आइए हम आपको दिखाते हैं रानी बाजार बाजार हाउस के पास का वो नजारा जहां पर साइरन बजती हुई गाड़ियां और बल्लियों से बंद किया हुआ रास्ता एक बार फिर से हमें उस पुराने दौर को याद दिला रहा है। के रूप में डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पुलिस के जवान, निगम के सफाई कर्मचारी, शिक्षक तो रहे ही लेकिन एनसीसी के जवान और सिविल डिफेंस के जवान भी कम नहीं थे। कोरोना वॉरियर्स के रूप में एनसीसी के कैडेट्स और सिविल डिफेंस के जवानों को जिला कलेक्टर अमित मेहता ने कलेक्ट्रेट सभागार में कैप देकर के उनका सम्मान और अभिनंदन किया। दिखाते हैं आपको सम्मान समारोह की जो संख्या। उसके लिए हमारे पास दो तरीके, एक तो हम एनफोर्समेंट की कार्रवाई करें पुलिस के मार्फत, हम चलान काटे ये करें, पर उससे पहले हम चाह रहे हैं कि लोगों में हम कंटिन्यू समझाइश और एक तरीके से उनको टोकना, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं फॉलो कर रहे, मास्क नहीं लगा रहे, भीड़ कर रहे, तो हम उनको पहले टोकने का काम करवाएं।
उसके लिए हमने जो हमारे वॉलंटियर्स हैं एनसीसी के, स्काउट्स के, सिविल डिफेंस के, इनको आज बुलाया था और इनको इसको लेके मोटिवेट किया गया। इनको एक आइडेंटिटी के रूप में हमने एक कैप और एक बैज दिए कोरोना वॉरियर की, ताकि ये अब फील्ड में जाएंगे और डेली अलग अलग चौराहों पर, मार्केट एरियाज़ में ये राउंड पर रह के लोगों को कोविड की नियमों की पालना के संबंध में जागरूक भी करेंगे और एक तरीके से उनको टोकेंगे भी अगर कोई नहीं कर रहा तो। और उसके बावजूद भी, इनके कंटिन्यूस आईसी करने के बावजूद भी अगर कहीं पर वायोलेशन होंगे तो उन एरिया में फिर हम जो हमें पिनल एक्शन लेना है या एनफोर्समेंट की कार्रवाई पुलिस के मार्फत है वो हम करें। तो अभी हमारे सारे जो वॉलंटियर्स थे उनमें काफ़ी इस बात को लेके जोश भी था कि वो अच्छी तरीके से इस काम को करेंगे और फील्ड के ऊपर हम आवश्यक रूप से ये इम्पैक्ट देखेंगे कि इनके मान मनोबल से इनकी समझाइश। विक्रम संवत 2078 के शुभारंभ के साथ ही चैत्र नवरात्रि यानी वासंतिक नवरात्र भी कहा जाता है। नवरात्र के मौके पर देवी मंदिरों में विशेष रूप से पूजन अर्चन किया जाता है। देवी मंदिरों में घट स्थापना की गई, अनेक देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए तो कई मंदिरों में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से लाइव दर्शन की व्यवस्था करा रखी थी, क्योंकि देशनू की करणी माता मंदिर और नाखरे जी मंदिर में इस बार प्रशासन ने जो है वह श्रद्धालुओं की जाने पर रोक लगा दी है, लिहाजा श्रद्धालुओं को एलईडी के माध्यम से देवी माताओं के दर्शन करवाए जा रहे हैं। तो दिखाते हैं आपको चैत्र नवरात्र प्रारंभ होने के साथ मंदिरों की कुछ झलकी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को होती है। प्रतिवर्ष मनाई जाने वाली जयंती के साथ में इस बार भी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। बुधवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के साथ ही अंबेडकर सर्किल को नीति पताकाओं के साथ में सजाया जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि अंबेडकर जयंती की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। सरकारी विद्यालयों को पीपी मोड के साथ और भामाशाहों के सहयोग से हमेशा ही मदद मिलती रही है। इस बार भी सरकारी विद्यालयों का कायाकल्प होगा, इनके भवनों का जीर्णोद्धार होगा। सूर सागर स्कूल और गुरुद्वारा स्कूल के कायाकल्प और उसके जीर्णोद्धार के लिए हल्दीराम एजुकेशनल सोसाइटी ने कदम बढ़ाया है। तकरीबन 4 करोड़ रुपए की लागत से 20 कक्षों का निर्माण जो है सोसाइटी के माध्यम से किया जाएगा, जिसका शिलान्यास आज सूर सागर विद्यालय परिसर में किया गया, जिसमें हल्दीराम एजुकेशनल सोसाइटी के अधिकारी और शिक्षा विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ असर की। इस मौके पर हमने अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सुनील गोड़ा से की विशेष बात। ग्रुप द्वारा 2 करोड़ और लगभग 10 लाख का काम यहाँ गुरुद्वारा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्य करवाया जा रहा है। हल्दीराम ग्रुप जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में बीकानेर को बहुत महत्वपूर्ण सहयोग दे रहा है। शिक्षा विभाग और हमारे डायरेक्टर साहब श्री सौरभ जी स्वामी साहब, डीओ सर, इनका सबका विजन है कि आने वाले समय में बीकानेर में इस तरह भामाशाहों का सहयोग मिले और हमारे स्कूल जो राजकीय स्कूल है वो बहुत ही अच्छी पोजिशन में आ जाए। बच्चों को पूरी मूलभूत सुविधाएँ हम प्रदान करेंगे और इस हल्दीराम ग्रुप द्वारा जोशी जी और उनकी पूरी टीम आई हुई है। गुरुद्वारा स्कूल के तमाम स्टाफ इसमें सहयोग कर रहे हैं। डीओ हमारे दयाशंकर जी हडावतिया, जेडी प्रकाश जी चाटोलिया साहब पूरे मेहनत से इस काम में लगे हुए हैं। आने वाले समय में बीकानेर में राजकीय विद्यालयों का एक स्वरूप अलग निखर के आएगा। हल्दीराम ग्रुप ने सूरसागर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालिका को भी 2 करोड़ 10 लाख का काम दिया है। यहाँ 13-14 कमरा बनाए जाएंगे और बच्चों को पूरी मूलभूत सुविधाएं दी जाएगी। बीकानेर में उन्मूल डेयरी के चुनाव सम्पन्न हुए। नोपाराम जाखड़ इसमें निर्विरोध रूप से अध्यक्ष निर्वाचित हुए। नव निर्वाचित अध्यक्ष नोपाराम जाखड़ ने उन्मूल डेयरी के चेयरमैन बनने के बाद में अपनी प्राथमिकताओं में कहा कि डेयरी का विकास ही उनकी प्राथमिकता होगी और पुराने दौर से चली आ रही उन तमाम जो परंपराएं हैं उनका निर्वाह दस्तूर जारी रहेगा। आइए हम आपको दिखाते हैं इस चुनाव के पश्चात निर्वाचित अध्यक्ष नोपाराम जाखड़ का फूल मालाओं से स्वागत किया गया, मिठाई खिलाकर के स्वागत किया गया और जीत की खुशी में सब लोग जो है वो जश्न मना रहे थे।
अध्यक्ष बनने के बाद हमने विधानसभा के पूर्व प्रतिपक्ष नेता और सांसद रहे रामेश्वर डूडी से की विशेष बातचीत। वो पहले भी डेयरी से जुड़े हुए रहे और इनका परिवार काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ है। इनके पिता श्री जो है पिछली बार चेयरमैन भी रहे थे और अब आप जो है नर्मदा चौहान लेंगे। पूरे जिले की जनता ने और जो हमारे 12 जो डायरेक्टर आए थे उन सभी डायरेक्टरों ने बैठ के और हमारे जिले के जो मुखिया जो कांग्रेस के नेता हैं उस्मान राम चिमई साहब हैं, उधर हमारे किसान खेत कांग्रेस के अध्यक्ष और जगदीश जी बनी साहब हैं, मोहन जी कप्तान साहब जो बज्जू सरपंच हैं, हमने रामजस जी जो निर्वाचित मानका सराब के डायरेक्टर हैं, हेतराम जी विष्णु जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं वो अभी फिलहाल डायरेक्टर हैं, और हमारे सभी जो डायरेक्टर हैं और बीकानेर जिले के सभी जो मुखिया कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने सबने बैठ कर यूनानी मसली जो है इनको निर्विरोध जो है चेयरमैन बनाने का काम उन्होंने किया। तो एक पूरे बीकानेर जिले के अंदर हमारे कांग्रेस का एक अच्छा मैसेज गया है। और नोपा राम जी के बारे में कहना चाहूँगा कि वो हमेशा डेयरी से जुड़े हुए हैं, यूथ नेता हैं हमारे कांग्रेस के और बीकानेर जिले की जनता ने इनको मौका दिया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि डेयरी के अंदर कई सालों के बाद में निर्विरोध निर्वाचित होना एक बहुत बड़ा हमारे पूरे बीकानेर जिले के अंदर और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं। बीकानेर के साधु क्लब मैदान पर एक फ्रेंडली मैच गोस्वामी 11 और राइट स्टेप ग्रुप के बीच में खेला गया, जिसमें राइट स्टेप ग्रुप ने शानदार तरीके से इस मैच को जीत लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए गोस्वामी 11 ने 74 रन बनाए, वहीं 15 ओवर के सीमित इस मैच में महज 4 ओवर में ही राइट स्टेप ग्रुप ने लक्ष्य को हासिल कर गोस्वामी 11 और राइट स्टेप ग्रुप के बीच में फ्रेंडली मैच साधु क्लब के मैदान में खेला जा रहा है। जो टॉस होता है उसके लिए मैं यहाँ पर दोनों टीमों के कैप्टन मौजूद हैं, मिस्टर नितिन साध एंड मिस्टर परेश गोस्वामी। परेश जी आप बताएंगे। यस हेड्स। विक्रम संवत 2078 के साथ ही जहां लोगों ने जगह जगह पर आम नागरिकों का और शहरी लोगों का स्वागत अभिनंदन किया, गोकुल सर्किल पर भी ये नजारा देखने को मिला, वहीं कोर्ट गेट पर भी ये नजारा देखने को मिला, महंतों के चौक में भी ये सारे दृश्य आम थे। जब अलग अलग जगह पर लोगों ने आज तिलक लगा करके और नीम और वृक्ष खिला करके नव संवत्सर का विशेष स्वागत किया, लोगों का अभिवादन किया। और आने वाले जो समय है उसके लिए शुभकामना दे रहे हैं, ताकि जो हमने जो कोरोना में जो संकट का पल देखा है उसके लिए हम वही चाहते हैं कि वो पल वापस ना आए, और हम उसके साथ समाज से प्रेम भी कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। खाओ खिलाओ रिश्ते बनाओ, रिश्ते बनाओ, चाहे मीठा या नमकीन खिलाओ, अरे राजभोग या कोई मिठाई, सोन पापड़ी क्या बात है भाई, अरे भुजिया पापड़ी या चटपटी, स्वाद लो नमकीन का, बीका राम जान मल है स्वाद बीकानेर का, स्वाद बीकानेर का। Available on Amazon, Flipkart and bhikaramchanmal.in। हमारा यही है जतन, रहे स्वस्थ तन स्वस्थ मन, पिए जो अमृत मंथन, स्वस्थ हृदय स्वस्थ पाचन, स्वस्थ काया स्वस्थ श्वसन। मोहन जी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट का 80 वर्षों का अनुभव, हार्ट ब्लॉकेज कम करे और रक्तचाप नियंत्रित करे, अमृत मंथन, अमृत मंथन। मोहन जी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट कंपनी, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर, कैलाश प्रोविजन स्टोर कोर्ट गेट बीकानेर, हेल्पलाइन नंबर 9251231230, विजिट www.mohanjiherbals.com। खमा घनी हुकम
अरे आइए आइए घनी खम्मा। घनी खम्मा क्या आज्ञा है मेरे लिए? हमने सुना है आपके बीकानेर में भुजिया बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, प्रेम जी अग्रवाल के भुजिया है ना हमारे बीकानेर के। तो हमें नहीं खिलाओगे प्रेम जी अग्रवाल के भुजिये? क्यों नहीं, हुक्म ये लीजिए। वाकई असली बीकानेरी भुजिया है। दिल की बात वही जाने जो स्वाद असली पहचाने। प्रेम जी अग्रवाल, रानी बाजार, इंडस्ट्रियल एरिया, बीकानेर। देखिए बात, एक बार फिर आपका स्वागत। गोस्वामी प्रीमियर लीग का समापन साधु क्लब क्रिकेट मैदान पर हुआ। साधु क्लब क्रिकेट मैच पर इस प्रीमियर लीग प्रतियोगिता बीके 11 ने जीता। गौरतलब है कि बीके 11 ने अपने तीनों ही मैच जीते। लीग आधार पर खेली गई इस प्रतियोगिता में महज चार टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें बीके 11 ने अपने लीग के तमाम तीनों मैच जीत करके फाइनल में प्रवेश किया। वही जूनियर 11 को हरा करके और बीके 11 ने यह चैंपियनशिप जीती। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज वेलकम एंड गुड मॉर्निंग टू दिस साउथर्न स्पोर्ट्स क्रिकेट ग्राउंड। थर्ड जीपीएल टूर्नामेंट हैज बीन प्लेड हियर। हियर इज योर पिच रिपोर्ट। हियर लुक एट दिस, द ग्रास and a little bit of cracks, and the outfit is rubbish. Like it's, this need I can compare, it's a screener at Kingsmead, Jamaica, part of his town, and Christchurch. Look at this ground here. The outfield is very sluggish, and there is a long boundary in leg side. So I think 20 over match, 120 is not a sufficient score. Although they has a good batting lineup, but they are performing not very well this present. The bowling item is really disciplined, but they have not a good batting order. So let me check what will be happening next. Pendulum tell the story. प्रीमियर लीग के समापन मौके पर हमने गोस्वामी समाज के अध्यक्ष रविकांत सिंह की बात। टूर्नामेंट हमने जो आयोजित किया है यहाँ पर, ये 10 से लेकर के 14 तारीख तक का, इस बीच हमारी चार टीमें भाग ले रही हैं और शानदार यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है क्रिकेट का। और हम चाहते हैं कि समाज के जितने भी नयुवक जो दूर दराज के हैं या आसपास के हैं, वो एकजुट होकर के आपसी तालमेल और मेलजोल के साथ यहाँ पर टूर्नामेंट में हिस्सा लें और जो नई प्रतिभाएं हैं उनको हम तलाश पता लगा सकें कि मतलब ये क्रिकेट के लिए नई प्रतिभाएं हमारे सामने आ रही हैं। और हमारे पुराने जो खिलाड़ी हैं, जो कूच बिहार ट्रॉफी, गिरिराज गोस्वामी, अशोक गोस्वामी और ये दीपक गोस्वामी जो यूको बैंक के मैनेजर हैं और एक आदि गोस्वामी पीएनबी के मैनेजर हैं, वो सब यहाँ पे हिस्सा खेल रहे हैं। अभी छुट्टियों का लुत्फ उठा रहे हैं और अभी बैटिंग कर रहे हैं। जो दिल्ली से भी हमारे 4-5 खिलाड़ी आए हुए हैं तो वो अभी बैटिंग कर रहे हैं। पहला जो आज जो सेकंड मैच जो चल रहा है वो बीके 11 और गोस्वामी वॉरियर्स के बीच में चल रहा है और खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं और लेकिन मौसम थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, गर्मी ज्यादा। गोस्वामी प्रीमियर लीग के सदस्य अशोक गोस्वामी से भी हमने की विशेषता। प्रीमियर ये अपने टूर्नामेंट का लीग का 5वां संस्करण था, 5वीं बार हो रही थी और 10 अप्रैल से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था। कुल 4 टीमें थी जिनमें लीग आधार पे मैचेस खेले गए। 10, 11, 12 को 6 मैच हुए थे कुल और बीके 11 जो टीम थी उसने अपने सभी मैच जीते तीनों और फाइनल में प्रवेश किया। और उसके बाद आज जो फाइनल हुआ बीके 11 और जूनियर 11 का, उसमें बीके 11 ने जीत हासिल की। जूनियर 11 ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, थोड़ा मार्जिन रह गया लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से मैचेज हुए हैं। और आयोजन समिति के हमारे अध्यक्ष नीरज गोस्वामी जो मेरे पास खड़े हैं,
उन्होंने भी बहुत मन लगा के इस उम्र में इस टूर्नामेंट को संपन्न करवाया। नव संवत्सर और विक्रम संवत 2078 के शुभारंभ के साथ ही हिंदू जागरण मंच के माध्यम से धर्म यात्रा और महाआरती का आयोजन होता है, लेकिन कोरोना के इस काल में 2 वर्ष हो गए हैं कि महाआरती और धर्म यात्रा उस विशाल रूप में नहीं निकल पाई, लेकिन इस बार हिंदू जागरण मंच के संयोजक जेठानंद व्यास ने इसे अलग अलग तरीकों से विकेंद्रित किया और अलग अलग क्षेत्रों से जो है वो बांटते हुए 17 स्थानों पर महाआरती का आयोजन करने का निर्णय लिया। छोटे छोटे समूहों में यह यात्रा निकली जिनमें खास तौर से तमाम लोगों ने केसरिया पगड़ी और साफा पहनकर के हाथों में केसरिया ध्वज लहराते हुए इस पूरी यात्रा का आनंद लिया। अलग अलग स्थानों पर निकली इस धर्म यात्रा को हम आपको दिखाते हैं कुछ झलकियां, जिनमें महिलाएं युवतियां बच्चे युवक और सभी लोग इसमें शामिल हुए, जिसका नेतृत्व खुद जो है वो जेठानंद व्यास कर रहे थे। बीकानेर के रेलवे ऑडिटोरियम में अनुसूचित अधिकारी कर्मचारी संघ के माध्यम से मेधावी व प्रतिभाशाली छात्र व छात्राओं का सम्मान और अभिनंदन किया गया। महान शिक्षाविद और नारी शिक्षा की अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले की 195वीं जयंती के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इससे पूर्व जहां आजाद के माध्यम से रक्तदान शिविर का आयोजन भी रखा गया था। आइए हम आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। बीकानेर जिले के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतियोगिता सम्मान समारोह रखा है, उसमें हमने अब तक 400 स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट जॉब में नए लगे हैं, 10th 12th में मोर देन 80% नंबर लाए हैं, या NCC स्काउट स्पोर्ट्स स्टेट लेवल में जिन्होंने सर्टिफिकेट पाया है, या ऐसी संस्थाएं जो मानव हित के लिए कार्य करती रहती है, उन सबको सम्मानित करने का हमने प्रोग्राम आज यहाँ पे रखा है बीकानेर रेलवे ऑडिटोरियम में। इसमें टीम अजाब पूरे जिले की बीकानेर संभाग के सबसे बड़े महाविद्यालय महारानी सुदर्शना कन्या महाविद्यालय में आज छात्राओं ने प्रिंसिपल का घेराव किया। गौरतलब है कि इस महाविद्यालय में इतिहास विभाग के समस्त पद रिक्त हो चुके हैं। यहां पर एकमात्र पदस्थापित सहायक आचार्य श्रीमती सुनीता बिश्नोई का पदस्थापन लूणकरनसर महाविद्यालय में कर दिया गया है, जिससे कि यहां की छात्राओं की पढ़ाई जो है वो बाधित हो रही है। लिहाजा 25 दिन पहले यह आदेश जब निकला था उसके बाद से छात्राएं जो है वह अपने अध्ययन और पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रही है। आज उन्होंने प्रिंसिपल का घेराव करते हुए ज्ञापन दिया, जिन्होंने उस बात की मांग की कि श्रीमती सुनीता बिश्नोई का पदस्थापन पुनः इसी महाविद्यालय में किया जाए। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से छात्राओं ने प्रिंसिपल को ज्ञापन दे करके और इतिहास विभाग में व्याख्याता लगाने की मांग की और श्रीमती सुनीता बिश्नोई की पदस्थापन को निरस्त करने की मांग की। विक्रम संवत 2078 के शुभारंभ और मौके पर अनेक स्थानों पर तिलक लगाकर मशीन और दीप खिलाकर के लोगों का किया गया स्वागत। चैत्र नवरात्र प्रारंभ होने के साथ ही देवी मंदिरों में विशेष रूप से पूजन अर्चन किया गया और जल की स्थापना की। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को तैयारियां हुई। हल्दीराम एजुकेशनल सोसाइटी सरकारी विद्यालयों का करेगी कायाकल्प। फ्रेंडली मैच में लाइटस्टर ग्रुप ने की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी पर 4 ओवर में ही 74 रन के लक्ष्य को किया। गोस्वामी प्रीमियर लीग का हुआ समापन और गली गली में निकली हिंदू धर्म यात्रा, लोगों ने डीजे के साथ में
जमकर की नारेबाजी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ किसी समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। आपका एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है, तो लें राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपनी प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर। आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं।